वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y11 फोन के स्प्लिट स्क्रीन ऐप के बारे में। हाँ जी दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन फीचर्स के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। कैसे आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक और मैसेंजर, यूट्यूब को एक साथ में यूज कर पाएंगे उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। फाइनली आप लोग को थंबनेल पे दिख जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज हम आप लोग को इसी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप लोग स्प्लिट स्क्रीन को, व्हाट्सअप को, फेसबुक को एक साथ में कैसे यूज कर पाएंगे उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इंप्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फाइनली दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं वीवो के Y11 फोन के स्प्लिट स्क्रीन ऐप के बारे में, जो कि स्प्लिट स्क्रीन फीचर्स के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। कैसे आप लोग एक साथ में दो तीन ऐप्स को एक साथ में यूज कर पाएंगे उसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप अपने वीवो के Y11 फोन में स्प्लिट स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूं अपने फोन के सेटिंग में। तो यहां पे मेरा सेटिंग, मैं आप लोगों को सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे मैं आप सेटिंग पे क्लिक करता हूं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्मार्ट स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्मार्ट स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तीन ऑप्शन यहाँ पे, पहला ऑप्शन मैसेज स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी एप्लीकेशन आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर, ट्विटर, यहाँ पे सभी ऐप यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पे यूट्यूब भी आप लोग इसमें यूज कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ से ऑफ होगा, तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। यहाँ से ऑन करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दूसरा वाला पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से भी आपको यहाँ इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपको फिर से बैक जाना है। तीसरे नंबर पे स्मार्ट फोर स्क्रीन स्प्लिट ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐप को ऑन करना पड़ता है आपको, यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे फोर स्क्रीन स्प्लिट ऐप्स आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पुश करके, और यहाँ से आपको ऑन कर लेना है इसको। उसके बाद ऑन करने के बाद आपको बैक चले जाना है, अपने होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर से भी आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से भी मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन को यूज कर पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, उसके बाद आप इस पे टिक लगाएंगे तब जाके आपका यहाँ पे काम करेगा। तो फाइनली तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे तीन फिंगर करते हैं, तीन फिंगर करेंगे तो आपका 12 स्क्रीन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप, इसके साथ मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों एक साथ में अच्छे से वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अब मैं फेसबुक और यूट्यूब को एक साथ में यूज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक है, आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक ओपन कर लिया मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे तीन फिंगर करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे तीन फिंगर करता हूँ, इसके बाद मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। यूट्यूब को जैसे मैं यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा यूट्यूब भी अच्छे से वर्क कर रहा है इसमें, और व्हाट्सअप भी, सॉरी दोस्तों, फेसबुक भी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप दो दो एप्लीकेशन एक साथ में यूज कर सकते हैं, जो कि आपके फोन में अगर आप कोई भी फ्री फायर वगैरह गेम हम खेल रहे हैं, तो अगर किसी का मैसेज वगैरह आ गया तो आप इसी तरीके से अपने फोन में मैसेज वगैरह पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बैक जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और ये फीचर अच्छे से वर्क करता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप अपने फोन में एक बार इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये मेरे फोन में अच्छे से वर्क कर रहा। आप अपने वीवो के Y11 फोन में जाके एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके फोन में अगर आप फ्री फायर खेल रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपको
कोई भी मैसेज वगैरह आ गया तो आप अच्छे से इसमें अपने फोन में पढ़ सकते हैं, आपको बैग जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी तरीके से आप लोग हर एक ऐप को अपने फोन में डबल स्क्रीन करके यूज कर पाएंगे स्प्लिट स्क्रीन की तरह। तो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज वगैरह आता था अपने फोन में इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था जो कि वीवो के Y11 फोन के स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। तो आप लोग को समझ में आ गया है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।